नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। तेजस्वी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से कांग्रेस को झटका, लालू की मौन सहमति से महागठबंधन में बड़ा खेल। कांग्रेस पूरे भारत की राजनीति चाहे जिस हिसाब से करे, बिहार में कांग्रेस आरजेडी की कई दशक से पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस की अपना कोई वजूद नहीं दिखता है। पार्टी के बड़े फैसले लालू यादव किया करते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि लालू यादव बेहद हिसाब किताब के साथ कांग्रेस को चलाते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सभी लोग निश्चित दिख रहे हैं, निश्चिंत दिख रहे हैं। उधर कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो बिहार की सीटों की घोषणा एनडीए से पहले करेंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्य चेहरे में से एक है। उधर कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें आरजेडी नहीं दे रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को आरजेडी जितनी सीटें देगी उतनी ही सीटों पर ही सब्र करना होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सोनिया गांधी का फोन आने के बाद लालू यादव को एक दो सीट में इजाफा लालू यादव कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता कम दिख रहा है। जानकारों ने माना है कि लालू यादव का विरोध करने की क्षमता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा लालू यादव की पार्टी ने ही भेजा है। तेजस्वी यादव की ओर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक संज्ञा जानने के बाद कांग्रेस के होश उड़ गए। कांग्रेस जहां बिहार में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, वैसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने काफी कम सीटों का ऑफर दिया है। संख्या को लेकर बिहार कांग्रेस में नाराजगी है। ध्यान रहे कि हाल में आरजेडी के सहयोग से अखिलेश प्रताप सिंह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। आरजेडी ने उसका भी बदला ले लिया और कांग्रेस के एक भी सदस्य को विधान परिषद में नहीं भेजा। कांग्रेस बिल्कुल भी बिहार में अपने हिसाब से नहीं चल सकती है। तेजस्वी यादव का फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटें दी जा रही हैं। जी हां, 7 सीटें दी जा रही हैं। इन 7 सीटों पर कांग्रेस को सब्र करना होगा। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव के ऑफर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश के नेता नाराज हैं। आखिर में लालू यादव से बातचीत करने की बात सामने आ रही है। उधर वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटें दी हैं। आरजेडी खुद 30 सीटों पर लड़ने का प्लान बना चुकी है। बाकी 3 सीटों को लेफ्ट विंग को देने की प्लानिंग है। हालांकि लेफ्ट विंग की तरफ से भी 5 सीटों की डिमांड की गई है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, वो कांग्रेस की क्यों सुनेगी? लालू यादव बिहार में कांग्रेस को चलाते हैं। कांग्रेस के किसी प्रदेश नेतृत्व और नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि लालू यादव से सवाल पूछ सके। लालू यादव ने मौन सहमति तेजस्वी के फॉर्मूले को दी है, जिस पर कांग्रेस और लेफ्ट विंग को चलना होगा। लालू यादव ये भी चाहते हैं कि इस बार बिहार के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि लोकसभा में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहे। कुल मिलाकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरह बवाल मचा हुआ है। इस बवाल का सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को होगा। अब बिहार की राजनीति में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी कुछ होगा आप तक लेकर जरूर पहुंचेंगे। आप निश्चिंत होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।